कहते हैं कि उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध करने में दोनों पक्षों के योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। केवल कौरवों पक्ष में दुर्योधन और पांडवों के पक्ष में पांचों पांडव सलामत थे, लेकिन दुर्योधन का युद्ध भीमसेन जिसे गदा युद्ध प्रारंभ था, गदा युद्ध चल रहा था, अपने गदा के प्रहार से भीमसेन जी ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। यद्यपि गदा युद्ध की मर्यादा है कि कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता है, गदा युद्ध केवल कमर के ऊपर ही खेला जाता है, उसकी एक मर्यादा है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा कारण नहीं था, कुछ दूसरा उपाय नहीं था जिसकी वजह से भीमसेन जी स्वर्गवास दे सके दुर्योधन को। इधर क्या हुआ, जंघा को तोड़ दिया अपने गदा के प्रहार से। जंघा को तोड़ने के दो कारण थे। एक कारण, जब पांचाली को भरी सभा में लाया जा रहा था खींच के, तो दुर्योधन ने भरी समाज में कहा था कि हे पांचाली, दुशासन इस पांचाली को लाओ और लाकर के हमारी इस जंघा में बिठा लो, क्योंकि ये अब हार चुकी है, इसे पांडव हार चुके हैं युद्ध में। दूसरा कारण, जब माता गांधारी को पता चला कि मेरे 99 पुत्र समाप्त हो चुके हैं, केवल एक दुर्योधन बचा है, माता गांधारी ने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ जाकर के दुर्योधन को हमारे सामने लेकर के आओ। जैसे ही दुर्योधन को लेकर के आए, माता गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि बेटा, जिस दिन मैं तुम्हारे पिता को ब्याह के आई थी ना, तो धृतराष्ट्र अंधे थे, और जिस दिन माता गांधारी धृतराष्ट्र को ब्याह के आई थी ना, उसी दिन अपनी आंखों में पट्टी बांध लिया था गांधारी ने। माता गांधारी कह रही थी, जब मेरा पति नहीं देख सकता ना इस संसार को, तो मेरा भी देखना व्यर्थ है, नहीं देखेंगे हम भी। तुरंत उसी दिन अपने आंखों में माता गांधारी ने पट्टी को बांध लिया था, और उस दिन से लेकर के एक भी दिन माता गांधारी ने पट्टी को खोला नहीं। आदेश दिया, हे पुत्र दुर्योधन, आज प्रातः काल आप हमारे सामने उठ करके नग्न अवस्था में आएंगे, आपके बदन पर कोई भी वस्त्र नहीं होगा, आप नग्न अवस्था में आएंगे। लेकिन दुर्योधन ने सुन तो लिया, लेकिन माँ के सामने एक युवा पुत्र नहीं जा सकता नग्न अवस्था में, थोड़ी मर्यादा होती है। दुर्योधन ने सोचा, एक काम करता हूँ कि केले का पत्ता लेता हूँ, उसे अपने वक्ष स्थल पर बांध लेता हूँ। बांध लिया और माता गांधारी के सामने जाकर के पहुंच गया। माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी को खोला, और खोलने के बाद ऊपर से नीचे तक दृष्टि डाली। उस दृष्टि के प्रभाव से दुर्योधन का समस्त शरीर वज्र का हो गया, यानी कि लोहे से भी मजबूत वज्र का हो गया। केवल जंघा ही बची थी, जहां पर वो केले का पत्ता बंधा था, केवल जंघा कच्ची रह गई। भीम जी के पास कोई कारण नहीं था, एक यही कारण था जिसकी वजह से उनको जंघा पे मारना पड़ा, प्रहार करना पड़ा, जंघा के प्रहार से तोड़ दिया। पड़े पड़े युद्ध भूमि में तड़प रहा था दुर्योधन।